ये कितना आसान है देखा। तुम लोगों ने कुछ सुना? ये कहाँ से आया? ये कितना क्यूट है। कहाँ से आया होगा? अच्छा होगा, इसे अकेला छोड़ दो। एक बार मुझे दिखाओ। कितना क्यूट है। इसने तुमको गीला कर दिया। ये बॉय है। बहुत क्यूट है। हाँ, ये 8-9 हफ्तों से ज्यादा बड़ा नहीं होगा। ये तो सिर्फ डॉक्टर ही बता सकता है। किस ब्रीड का पपी है ये? वैसे ये जर्मन शेफर्ड की तरह लगता है, लेकिन उससे बड़ा है। काफी बड़ा। इस सुनसान आइलैंड पर ये आया कहाँ से होगा? हाँ, मुझे लगता है इसे यहाँ कोई गलती से छोड़ गया है। hey, सुनो दोस्तों, मेरे पास एक बहुत अच्छी आइडिया है। अच्छी आइडिया है, इसे पका के खाते। क्या बकवास कर रहे हो? अरे मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। उसे वहाँ टारगेट पे रख दो और फिर मैं उसे मुझे यहाँ अच्छा लग रहा है। तुम्हें भी यहाँ अच्छा लग रहा है? क्यों ना हम इसे आज अपने साथ ही रखें? ये बहुत खुश लग रहा है। ये कैसी जगह है? ना टीवी है, ना फोन है, ना कोई रंगीन मैगजीन। असल में हम दुनिया की सभी चीजों से ब्रेक लेना चाहते थे ना। ओह ग्रेट, अच्छी बात है। पर मुझे ऐसी जिंदगी जीने की आदत नहीं है जब तक मुझे ढेर सारे ड्रिंक्स ना मिले और इंटरनेट पर रंगीन तस्वीरें ना देखूं, चैन नहीं मिलता है। जानते हो नोवा, कभी कभी मुझे हैरानी होती कि तुम अब तक सिंगल हो। वेल सिंगल होने से 2 के साथ चक्कर चलाओ, 3 के साथ और आबादी बढ़ाओ। क्या कहते हो, सही कहा ना मैंने? हाँ, तुम्हें ये सूट करता है। ओह तुमने वो आवाज सुनी? मुझे लगता है मुझे मेरी प्यारी वाइन अंदर बुला रही है। जरूर। तू और कितना पिएगा? बस कर, वरना तबीयत खराब हो जाएगी। मैं यहाँ मजे करने आया हूँ, इसलिए मुझे कोई रोक नहीं सकता। तू लगता तो बहुत क्यूट है, पर मुझे बिल्लियाँ ज्यादा पसंद है। कोई पीना चाहेगा? हम चल हट निकल यहाँ से। हे हे हे, कारपेट पे सुसु किया तो फटके पड़ेंगे। वो मजाक कर रहा है, वापस आ जाओ बेवकूफ। ओह सच कहूँ तो ये कुत्ता थोड़ा अजीब था। बिना किसी वजह से मेरे ऊपर स्टोर रूम में गुर्रा रहा था। मैंने तो कहा था कि मुझे बिल्लियाँ ज्यादा पसंद है, कुत्ते नहीं। वो बिल्कुल नुकसान नहीं पहुँचाएगा, स्टूपिड। डोंट वरी, वो वापस आ जाएगा। उसे पता है कि उसे खाने के लिए यही मिलने वाला है। हाँ, आज रात मुझे उसके साथ सोना था। मुझे तो लगा था आज रात हम साथ सोएंगे। नहीं नहीं, पहले मेरे साथ सोना था, उसके बाद तुम्हारे साथ सोना। हाँ, ये भी ठीक है। मैं हर थर्सडे कैंसर पेशेंट्स को चेक करती हूँ, तो चैरिटी हो जाती है। चैरिटी। मजाक बहुत हो गया। हे किसी को चाहिए? पपी कहाँ हो तुम? कहीं दिखा? बचपन की डरावनी यादें ताजा हो गई जब हम गोस्ट इन द ग्रेवयार्ड खेला करते थे, याद है? मुझे कुछ याद नहीं है। हाँ, उस वक्त तुम काफी कूल हुआ करते। यू नो, मैं आज भी बहुत कूल हूँ। अच्छा, राइट। ओह देखो वो वहाँ है। हे पॉपी, तो तुम यहाँ पर हो, आ जाओ। सारा, तुम ठीक हो? तुम ठीक हो सारा? मेरी बात का बुरा मत मानना, पर हम दोनों जानते हैं कि तुम ये अफोर्ड नहीं कर सकती। तो या तो तुम्हारी लॉटरी लगी है, या फिर इस जगह में कुछ गड़बड़ है। ओके, वैसे
ये एक पार्ट है जो तुम्हें बिल्कुल पसंद नहीं आएगा। क्यों? ओके, जही टूर पर जो फैमिली पहले यहाँ रहती थी, उस इंसान ने अपनी वाइफ और बच्चे को मार दिया था। वाओ। ओके, छोड़ो भी, कुछ तो बोलो। मुझे नहीं पता मुझे क्या बोलना चाहिए। ये इतना बुरा नहीं है। ये बुरा नहीं है हेली, ये सच में बहुत बुरा है। तुम जानती हो मैं क्या बोल रही हूँ। बहुत पुरानी बात है, तब से यहाँ कोई नहीं रहता। तुम कैसे कर लेती हो? तुम वहाँ कैसे रह रही हो? तुम्हें पता है क्यों? हम कहीं और अफोर्ड नहीं कर सकते। वो छोड़ो, इसे देखो कितना खूबसूरत है। तुम्हें नहीं लगता कि सब कुछ कुछ ज्यादा ही जल्दी हो रहा है? क्रिस प्लीज, उस बारे में बात नहीं करते। हेली, मैं बात करूंगी। उस इंसान ने 6 महीने तक धोखा दिया है। एक धोखेबाज हमेशा धोखेबाज रहता है। वो बदल गया है, सच में बदल गया है। सच में? क्योंकि मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है। पर हमने इसके बारे में बात की है, और देखो उसने हमारे लिए ये सब किया है। ये जगह, वो पूरी कोशिश कर रहा है। देखो, क्योंकि तुम दोनों का एक बच्चा है, इसका मतलब ये नहीं कि साथ रहना पड़े। अभी भी तुम जवान हो। ओ कम ऑन, तुम इससे बहुत बेहतर जी सकती हो। अपनी बॉस खुद बनो। नहीं, ये हमारे लिए सही है, सबके लिए। एक फैमिली का साथ रहना बस यही चाहिए। ओके, तो अब मुझे जाना होगा, मेरी डेट है आज। मैं जानती हूँ उसे। इतना कह सकती हूँ कि बाद में तुम्हें एक एक डिटेल बताऊंगी। ओके, मजे करो। हाँ जरूर। क्या कर रही हो? क्या हुआ था? पेनी? क्या? कब? किसने मारा? पेनी। मॉम, आपने उसे डरा दिया, वो चला गया। क्या? स्मिथी, उसे अपने आसपास लोग पसंद नहीं है, उसे सिर्फ मैं पसंद हूँ। ओ कम ऑन पेनी, स्मिथी नहीं है। हाँ वो है, वो आपके पीछे है। वहाँ कोई भी नहीं है। चुप रहिए, आप बेवकूफ हैं। ठीक है, अब सो जाओ। पेनी, अभी के अभी, बहुत देर हो गई है, सो जाओ।
ये क्या है? मैं तुम ठीक हो ना? सुनो, हिम्मत रखो। हाँ, हिम्मत रखो। मुझे माफ करो। सॉरी, किस लिए? लल्ला में कुछ बनाया था, मुझे पता चल गया। बाहर क्यों जाए? हाँ, बाहर क्यों जाए? तुम्हें यहाँ से निकल जाना चाहिए। तुम ठीक हो ना? मेरे साथ हो? हे कम ऑन, हे बताओ, हे तुम मेरे साथ रहो, तुम्हें कुछ नहीं होगा, तुम ठीक हो जाओगे। निकलो, जाओ। तुम्हें सब छोड़ना है ना? हाँ, ठीक है। अगर तुम इन लोगों से बच सके तो तुम आजाद हो, नहीं तो मरोगे। कोई मजाक नहीं, भाग बेटे, भाग। ब्लड एंड मैं देखता हूं। हेलो, हाँ हाँ हाँ, बोल रहा हूं। हाँ, मैं डेप्यूटी माइकल सेवियन बोल रहा हूं। क्या ये कब हुआ? हाँ ठीक है, मैं समझ रहा हूं, मैं अभी आता हूं। सब ठीक है? डेविड के लिए फिर से कोई प्रॉब्लम हुई? उससे भी बुरा।
माइकल सेवियन, मेरे भाई के लिए फोन आया था। तुम सेवियन हो? हाँ। दो गोली पेट पर मारी गई। हाँ बिल्कुल पास से गोली मिली। एक उस दीवार पे है, दूसरी शायद इसके नीचे होगी। 50 कैलिबर लग रही है। तुमने 50 कैलिबर कहा, क्या वो राइफल थी? ना 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 ना, छोटी गोलियां हैं, मोस्टली हैंडगन होगी। हैंडगन? हाँ। किसी गैंग का काम है? हाँ, गैंग का ही काम है। देखो, मुझे बस तुम्हारे सिग्नेचर चाहिए इस आईडी फॉर्म पर, ताकि हम सब अपने काम पर पहुंच जाए, अगर प्रॉब्लम ना हो तो। फेदर्स ना? हाँ 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 हाँ, फेदर्स बिल्कुल सही कहा, ये बेशक कोई खबरी होगा। माइकल बंद करो, मुझे पता है ये क्या है। चलो, सारी रिपोर्ट्स शायद मुझे स्टेशन पर ही मिलेगी। हाँ है ना। हाँ, मेरा मतलब हार्डविक लीड डिटेक्टिव है। अच्छी बात है। और वो तुम्हें कुछ दिनों में कॉल करेंगे, ये पक्का है।